हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट का एक पार्ट करेंगे, मतलब एक सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे हम। तो हम आपके सामने ये क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम करेंगे, ओके। और जल्दी से जल्दी करेंगे और कम से कम टाइम में करेंगे, ताकि हम हमारा जो एग्जाम है, हमारा जो पेपर है, उसमें हमारी स्पीड अच्छी हो, अच्छे से हम 3 मिनट के अंदर ही अपने 5 नंबर सिक्योर कर ले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चलो पढ़ते हैं हम उसे। फोर यंग मैन, चार यंग मैन है, कौन कौन है? अनिल, मुकेश, पीयूष, योगेश। लविंगली कॉल्ड मुन्ना, बाबू, प्रिंस, प्रिंस, और ये लास्ट में क्या है? पप्पो, पप्पो, ओके। दे आर मैरिड टू मधु, सुगंधा, ज्योति एंड आरती। मधु, सुगंधा, ज्योति और आरती से ये मैरिड है, ओके, ये बताया गया है। तो अभी ये नाम बताने के बाद अभी जो स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। चलो, आरती एंड मधु आर नॉट मैरिड टू पीयूष, PIYUSH, पीयूष के साथ में आरती और मधु मैरिड नहीं है। यहां लिख लेते हैं हम, पीयूष के साथ में आरती और मधु मैरिड नहीं है, ठीक है। ये मधु है, दोबारा लिख लेते हैं इसे, ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो वी विल राइट इट अगेन। चलो, आरती और मधु, आरती और मधु के साथ में पीयूष मैरिड नहीं है। आरती एंड मधु आर नॉट मैरिड टू पीयूष और अनिल, अनिल के साथ में भी मैरिड नहीं है। ANIL, अनिल, अनिल के साथ में भी ये दोनों मैरिड नहीं है। नोर इज देयर हस्बैंड कॉल्ड बाबू, बाबू, बाबू भी इनका हस्बैंड नहीं है। BABOO, बाबू भी इनका हस्बैंड नहीं है। तो ये तीनों तो नहीं है, ये बात हमें पता चल गई, ओके। अब नेक्स्ट, बाबू इज नॉट मैरिड टू सुगंधा, सुगंधा, एस सुगंधा, बाबू है वो सुगंधा से भी मैरिड नहीं है। किससे मैरिड नहीं है? सुगंधा से। सुगंधा और कोई है? एस से और कोई तो है नहीं, तो सुन SU लिख लेते हैं सुगंधा को हम। SU से मैरिड नहीं है सुगंधा से, बाबू मैरिड नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट कौन है? सुगंधा इज नॉट मैरिड टू मुन्ना, सुगंधा वो मुन्ना से मैरिड नहीं है। सुगंधा का मुन्ना से भी मैरिड नहीं है। बाबू इज नॉट मैरिड टू सुगंधा एंड बाबू सुगंधा से मैरिड नहीं है। एंड हिज नेम इज नॉट पीयूष, और बाबू का नाम पीयूष नहीं है। PIYUSH, पीयूष बाबू का नाम नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है इस साइड कि बाबू का नाम पीयूष भी नहीं है, और यहाँ पे हम सुगंधा मैरिड मुन्ना से भी नहीं है, और मुकेश इज नाइदर मुन्ना, और प्रिंस नोर इज मैरिड टू मधु। मुकेश इज नाइदर मुन्ना, मुन्ना कौन नहीं है? मुकेश। ये मुकेश लिख लिया हमने यहाँ पे, मुन्ना मुकेश नहीं है। मुन्ना इज नाइदर मुकेश नोर प्रिंस, मुन्ना मुकेश मुन्ना नहीं है, मुकेश प्रिंस नहीं है। सी, प्रिंस भी मुकेश नहीं है, ये मुकेश है, ये प्रिंस भी नहीं है, मुन्ना भी नहीं है, ओके। मुकेश इज नाइदर प्रिंस नोर मुन्ना, नोर इज मैरिड टू मधु, और जो मुकेश है वो मधु से मैरिड नहीं है।
मुकेश किससे मैरिड नहीं है? मधु, मधु से इस साइड लगा देते हैं, मधु से मुकेश भी मैरिड नहीं है। MUKESH, मुकेश मधु से मैरिड नहीं है, तो यहाँ पे हमने लगा के मुकेश लिख दिया है। ओके, तो हमें ये पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। अभी क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, इसको देख के क्वेश्चन देखो भाई, हम कैसे इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। अभी ये देखो, अब हमें पता है, देखो एक चीज देखो आप लोग, बाबू से ना तो आरती मैरिड है, ना मधु मैरिड है, और ना ही सुनंदा मैरिड है। तो बाबू से कौन मैरिड होगा ये तो पता कर ही सकते हैं, क्योंकि चार चार ही तो मेल हैं। तो बाबू से सबसे पहले तो बाबू का पता लग गया, बाबू से जो मैरिड है उसका नाम क्या है? ज्योति, क्योंकि आरती मधु और सुगंधा मैरिड नहीं है, तो बाबू से ज्योति मैरिड है। JYOTI, ज्योति। अब इसके आगे इसका नाम हमें अभी पता नहीं है। और देखो, और किस किस का पता है हमें? बाबू के बाद में हमें जो पता है वो किस चीज का पता है, ये देखो आप। एक चीज और देखो, जो पीयूष है वो आरती और मधु से मैरिड नहीं है, और पीयूष बाबू नहीं है। बाबू किससे मैरिड है? ज्योति से। तो पीयूष ज्योति से भी मैरिड नहीं है, क्योंकि ज्योति बाबू और पीयूष एक है नहीं। तो पीयूष का हमें पता चल जाएगा यहाँ पे, पीयूष का यहाँ पे पता चल गया वो मैरिड किससे है। वो ज्योति से मैरिड नहीं है, आरती से नहीं है, और मधु से नहीं है, तो सुमनंदा, SUN लिख लेते हैं हम पूरा नाम लिखने की बजाय, उससे मैरिड है। पीयूष का पता चल गया, अब हमें किससे मैरिड है। ओके, अब आगे क्या है? अब हमें जो पता चल रहा है वो मधु का पता चल रहा है। देखो, मधु मुकेश से मैरिड नहीं, पीयूष से, अनिल से, तो एक ही बंदा बच गया, तो मधु है। मधु जो मैरिड है वो किससे मैरिड है? मुकेश से मैरिड नहीं है, पीयूष से मैरिड नहीं है, अनिल से मैरिड नहीं है, अनिल मुकेश पीयूष से मैरिड नहीं है, तो योगेश से ही मधु मैरिड है। तो योगेश से मधु मैरिड हो गई। अब इतना पता चल गया अब हमें, तो बच कौन सी गई? जो आरती बच गई ना, आरती यहां पे आ गई। अब आरती का पता है हमें, अनिल आरती से मैरिड नहीं है, अनिल आरती से मैरिड नहीं है, तो अनिल अगर आरती से मैरिड नहीं है तो अनिल ज्योति से मैरिड होगा, अनिल ज्योति से मैरिड होगा, तो फिर बच कौन गया? मुकेश बच गया, मुकेश आरती से मैरिड हो गया। ओके, मुकेश आरती से मैरिड हो गया। और किस किस का हमें क्या क्या पता है अब हम निकालेंगे। जो मुकेश है वो मुन्ना और प्रिंस नहीं है, मुकेश क्या है? मुन्ना प्रिंस नहीं है, और बाबू भी नहीं है, तो मुकेश मुन्ना प्रिंस नहीं है, तो पप्पू हो गया। तो पप्पू हो गया। और उसके बाद में हमें जो पता है वो क्या पता है, कि जो पीयूष है वो बब्बो नहीं है, बब्बो नहीं हुआ, सुगंधा से मैरिड, बब्बो सुगंधा से मैरिड नहीं है, ये यहां से पता चला था। और हम क्या पता कर सकते हैं अब इन दोनों के नेम्स में? अब हमें यहां दिया गया था जो सुगंधा है ना वो मुन्ना नहीं है, तो प्रिंस होगी, सुगंधा मुन्ना नहीं है तो प्रिंस से मैरिड होगी, PRINCE प्रिंस। और यहाँ पे जो मुन्ना बच गया वो ये बच गया, सॉरी MU है ना, ठीक है। तो बब्बो ज्योति अनिल प्रिंस सुगंधा पीयूष और मुन्ना योगेश का ही नाम है, और मधु और आरती मुकेश पप्पो, ठीक है। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये बिल्कुल सही और स्टिक तैयार हो गया है। तो आई थिंक अभी अच्छे से दिख रहा होगा आपको,
ये बिल्कुल यही डायग्राम हमारा जो बिल्कुल सही है। ओके, तो हमने देखा आपने कैसे कैसे बना लिया, हमने ज्यादा वक्त भी नहीं लगाया और हमने अपने जो 5 नंबर है वो जल्दी से जल्दी सिक्योर कर लिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनमें से अगर ये मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो इनके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन ही होगा और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर ये प्री में आएंगे तो इनके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।